हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डेटा एंट्री के ऊपर रहेगा। एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। आखिर में आपको हम वीडियो में कुछ एडवांस फॉर्मूले भी बताएंगे। बाकी अगर आपको डेटा एंट्री करनी है तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। अगर बहुत तेज करनी है तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में आप निपुण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको बेसिक हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती तब भी आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज की वीडियो में हम आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करना सिखाएंगे। डेटा एंट्री एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी आप कभी भी जॉब के लिए आते हो तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो डेटा एंट्री रहता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप जॉब सर्च करोगे डेटा एंट्री की, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी जॉब मिल जाएंगे। आप जाके डेटा एंट्री लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री एक्सेल में करते कैसे हैं, तो आज हम आपको बेसिक्स टू एडवांस बताएंगे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको वीडियो में कुछ एडवांस फॉर्मूले भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा लंबा जो काम होता है वो बहुत कम टाइम में कर सकते हो उस फॉर्मूले की मदद से। बाकी अगर आप डेटा एंट्री, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में निपुण होगे तभी डेटा एंट्री कर पाओगे। हाँ, आपको बेसिक हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री का मतलब होता है मैनुअल। आपको कहीं से डेटा मिलेगा, चाहे तो कोई वेब ब्राउजर से दे दे, या कोई पीडीएफ देगा, या कोई मतलब ऐसे मैनुअल टाइप कराएगा, कोई विल देगा, विल की एंट्री करनी पड़ेगी, तो डेटा एंट्री इसी को बोलते हैं। तो उसके बिहाफ पे आपको क्या होगा, आपको नॉर्मल टाइपिंग आनी चाहिए। अगर टाइपिंग नहीं आई तो आप सीखनी पड़ेगी हिंदी हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आप सीख सकते हैं। बाकी आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री करते कैसे हैं। बेसिक ऑप्शंस में आज आपको कवर करूंगा एक्सेल के डेटा एंट्री पे जो आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आज हम आपको एक छोटा सा डेटा एंटर करके दिखाएंगे, ये डेटा किसी स्कूल का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं, जो हमारे ये होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम, और ये हमारे होते हैं रोज। तो एक्सेल में कॉलम और रोज, एक्सेल में कॉलम जो होते हैं टोटल वो होते हैं 16384, और जो रोज होते हैं वो हमारे होते हैं 10,48,576। अगर हमें रो और कॉलम को देखना होगा तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे रो और कॉलम दिख जाएंगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे पहला काम है वो डेटा एंट्री करने का। डेटा एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे रोल नंबर। रोल नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर किया, आगे पहुंच गए। आगे हमने लिया यहाँ पे नेम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम डाल देंगे, और यहाँ पे हमने डाल दिया सब्जेक्ट के नाम, यहाँ पे हिंदी डाल दिया, और यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट के नाम डाल दिए, यहाँ पे मैथ, और यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया हमने सब्जेक्ट में इस टाइप से, और ऐसी दो चार सब्जेक्ट और ले लेंगे। सपोज हमने साइंस ले लिया, साइंस ले लिया, और यहाँ पे हमने टोटल टोटल डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम भी टाइप कर लेंगे और मिनिमम भी टाइप कर लेंगे। यहाँ पे मिनिमम डाल दिया हमने, और यहाँ पे हम ले लेंगे एवरेज। तो एवरेज हमारा जो भी रहेगा वो एवरेज टाइप कर देंगे हम यहाँ पे, और आगे हमने दे दिया यहाँ पे रिजल्ट, हम यहाँ पे रिजल्ट भी टाइप कर देंगे, और ग्रेड ग्रेड भी देते हैं इसमें, हम लगा देंगे ग्रेड का फॉर्मूला। आगे हम दे देंगे रैंक, हमने एक मार्कशीट का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लिया, मतलब जितने भी हेडिंग्स मार्कशीट में होते हैं वो हमने यहाँ पे टाइप कर लिए। आगे हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एरिया को, जितने एरिया में हमें डेटा एंट्री करनी है, हमें इतने एरिया में डेटा एंट्री करनी है, तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी मेन हेडिंग थी इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, और जो हमारा टेक्स्ट था, जो हेडिंग थे, वो हम उसको सेंटर में कर लेंगे, और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर ले लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये कलर ले लिया, इस टाइप से मैं कलर सिलेक्ट कर लिया, और हम साइज को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं हेडिंग से। बाकी यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैक्सिमम थोड़ा सा इसके अंदर जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें कॉलम को। कॉलम को अगर आपको बड़ा करना होगा तो आप यहाँ पे आओगे, और ये यहाँ पे आके जब देखोगे हेडर में, तो यहाँ पे प्लस का आइकन बन के आएगा। प्लस के आइकन को आप थोड़ा सा ऐसे मूव कराओगे तो आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे तब भी आपका कॉलम एडजस्ट हो जाएगा जितना आपका डाटा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो डेटा टाइप करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले हम डाल दिया रोल नंबर, रोल नंबर हमारा हो गया एक। इसके बाद डाल देते हैं हम यहाँ पे नेम, तो नेम हो गया जैसे गोविंद सिंह डाल देंगे, गोविंद सिंह हमारा हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया, इसके बाद देखो गोविंद सिंह का जो कॉलम है बहुत बड़ा है, यहाँ पे कॉलम बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा इसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टाइप कर दोगे अल्ट ओ सी ए, तो ये कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा।
वैसे आपको बता दिया माउस से करना, तो यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ मार्क्स डाल दिए, जैसे हिंदी के डाल दिए 45, यहाँ पे डाल दिए हमने, यहाँ पे हमने मैथ्स के डाल दिए और कंप्यूटर के डाल दिए और यहाँ पे साइंस के डाल दिए हमने। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल का, क्योंकि हमें इसको सम करना है। तो सम करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल यहाँ पे फिर टाइप करेंगे एसयूएम सम, और यहाँ पे हम इसको जितना भी डेटा हमें प्लस करना है इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रेकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे वहाँ पे हमारा जितना भी डेटा होगा उसका सम होके आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो जब भी हमें किसी भी संख्या का किसी भी टेबल में किसी भी डाटा में मैक्सिमम निकालना होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वल अप्लाई करेंगे। जब भी आप कभी भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग का सबसे पहले जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमें इक्वल अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हम मैक्स टाइप करेंगे, हमें एक्स टाइप किया, ब्रेकेट ओपन किया। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल सब्जेक्ट को, जितने सारे सब्जेक्ट रहेंगे वो हम सब सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रेकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है वो कितनी, 75 है। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे 85 कर दिए तो यहाँ पे 85 वैल्यू आ जाएगी। तो हम जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे एक्सेल में अपने आप मिनिमम, तो हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल एम आई एन डालेंगे, ब्रेकेट ओपन करेंगे, सॉरी इक्वल एम आई एन, और यहाँ पे टैब दबा देंगे तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑल सब्जेक्ट को, ब्रेकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी एक्सेल शीट में मिनिमम निकाल सकते हैं। अगर एवरेज निकालना होगा क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लगाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे एवरेज, तो एवरेज डाल दिया हमने, ब्रेकेट ओपन की और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ऑल सब्जेक्ट को, जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहेंगे उनका एवरेज दिखा देगा यहाँ पे। तो आप इस टाइप से एवरेज निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इक्वल अप्लाई करना है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इफ लॉजिकल वैल्यू। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आ रहा है हमारा, तो लॉजिकल लॉजिकल हमारा रहेगा एवरेज, तो हमने यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल। अगर कोई स्टूडेंट हमारा होता है 33 से ऊपर का तो हम उसको कर देंगे पास, अगर 33 से ऊपर का होगा तो हम उसको कर देंगे पास, अदरवाइज उसको हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। अगर उससे नीचे किसी के मार्क्स आते हैं तो उसको हम फेल कर देंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे फेल टाइप कर देंगे, ब्रेकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप इस टाइप से रिजल्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा हो गया ग्रेड का, ग्रेड मतलब कि जैसे हमने क्या करना है, हमने ग्रेड निकालनी, कौन कौन सी ग्रेड में किस किस स्टूडेंट को रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल इफ, अगर कोई स्टूडेंट हमारा 60 से ऊपर मार्क्स लाता है या 60 60 तक लाता है तो हम उसको दे देंगे ए कॉमा एंड मिड कॉमा ए ग्रेड दे देंगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारा लाता है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं यहाँ पे 45 तो हम उसको दे देंगे बी ग्रेड। इस टाइप से हम ग्रेड को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इफ लगाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट हमारा लाता है 33 मार्क्स तो हम उसको दे देंगे, अगर कोई स्टूडेंट हमारा 33 मार्क्स लाता है तो उसको दे देंगे हम सी ग्रेड, अगर उससे कम किसी के मार्क्स आते तो उसको दे देंगे हम डी ग्रेड, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। ब्रेकेट क्लोज करेंगे 3 बार। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी बार हमने ब्रेकेट ओपन की होगी उतनी बार हमें यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे बी ग्रेड निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे इसके नंबर जो एवरेज में है कितने 57 है। तो इस टाइप से यहाँ पे बी ग्रेड निकल के आया। अब यहाँ पे रैंक होगी, रैंक को हम अप्लाई करेंगे इक्वल लगाएंगे आर ए एन के रैंक, यहाँ पे स्टार्टिंग रैंक एवरेज नहीं केवल रैंक टाइप करेंगे, रैंक आ गया हमारा। और यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टोटल कर लेना है इस टाइप से। इसके बाद हमें F4 कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करना है। तो आप इस टाइप से रैंक निकाल सकते हो, इस टाइप से आप रैंक निकाल सकते हो और यहाँ पे आप इस टाइप से रैंक निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैनुअली डाटा टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया, हमारा 2 नंबर आ गया, रोल नंबर। यहाँ पे नाम डाल देंगे, जैसे हम डाल दिया सोनू, यहाँ पे हम सोनू टाइप कर देंगे, सोनू सिंह डाल देंगे। यहाँ पे मार्क्स हम रैंडमली डालेंगे, यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस टाइप से आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ तक खींच लोगे पकड़ के रोल नंबर को, इस टाइप से आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप कर देते हैं, जैसे हम डाल दिया यहाँ पे बिपिन, यहाँ पे डाल दिया शर्मा, यहाँ पे डाल दिया राज, राकेश, रोहित, रमेश, रामू, राजू, राजेश, अमन, रमन, रमन डाल के फिर बिमलेश, बिमलेश वाले ने टाइप कर दिया। यहाँ पे ऐसे कुछ नाम रैंडमली टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो डाल दिया मैं अरविंद,
अरुण, आरव, इस टाइप से हमने कुछ नाम टाइप कर लिए है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेटा लगाना है, तो हम यहाँ पे रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल आर एन डी रेंट बिटवीन। अब यहाँ पे हम मैनुअली इसे डाटा टाइप कर देते, तो आप डाटा टाइप कर सकते हो। यहाँ पे डाल देते हैं, बॉटम डाल दिया मैंने 45 से, और यहाँ डाल दिया हमने 85 तक। 85 तक डाल के हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब जो डाटा हमारा होगा वो इसके बीच में ही आएगा, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इस टाइप से हमने डेटा एंटर कर दिया। अच्छा, आपको क्या करना है, हमने तो यहाँ पे मैनुअली टाइप किया है, आपके पास जो डाटा रहेगा ना उसी को टाइप करना है आपने। ऐसा नहीं आप अपने आप से कुछ भी टाइप कर दोगे, मैंने तो ऐसे मैनुअली टाइप कर दिया, तो आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे अप्लाई है पहले से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे इस टाइप से, तो आपके यहाँ पे फॉर्मूले सारे अप्लाई हो जाएंगे। तो आप इस टाइप से डेटा एंट्री कर सकते हो, मैनुअल डेटा एंट्री ऐसे हम करते हैं, लेकिन जो वैल्यू हमने यहाँ पे रेंट बिटवीन के थ्रू ली थी वो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था रेंट बिटवीन वाला, ये यहाँ पे आ रहा है, हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को रिमूव करना है यहाँ से। तो फॉर्मूले को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी हमने सिलेक्ट किया था, जितने भी डाटा हमने रेंट बिटवीन का लगाया था फॉर्मूला, उतने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आओगे, और यहाँ पे ऑप्शन पे आने बाद आपको मिलेगा वैल्यू वाला ऑप्शन, यहाँ क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस टाइप से हम एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं, अगर हमें इनको रिमूव करना हो तो आपको इस टाइप से ही रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूले आ रहे हैं, अगर हमें रिमूव करना हो तो हम इसी टाइप से रिमूव करेंगे, फिलहाल तो मैंने रिमूव कर रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। अब ये तो डेटा हमने एंटर कर लिया, इसके ऊपर अगर हमें हेडिंग कोई भी हेडिंग अप्लाई करनी है, सपोज जैसे मान लो ये हमने मार्कशीट बना रखी है, अब हमें ऊपर लिखना मार्कशीट, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी, अगर यहाँ से करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप होम में आओगे, होम वाले ऑप्शन में आके आपको इंसर्ट टाइप मिलेगा, यहाँ पे इंसर्ट में आओगे, इंसर्ट सेल्स यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो इंसर्ट रो, सीट रो आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी इंसर्ट सीट रो, सीट की जो रो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इतने एरिया को मर्ज कर सकते हैं यहाँ से, अगर चाहें तो, अगर नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मार्कशीट, मार्कशीट टाइप करेंगे, ये हमारा मार्कशीट हो गया। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट, अब इसके हम सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइज को बड़ा करने के बाद थोड़ा छोटा करेंगे, इसको सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पे कलर कर लेंगे, रेड कलर कर दिया। अब यहाँ पे हम इसके पीछे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा कलर करना है, तो हम इसका इसका कलर व्हाइट कर देंगे, यहाँ राइट करेंगे तो इसका व्हाइट कर देंगे इस टाइप से, और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, डार्क करेंगे, तो थोड़ा हमारा जो मार्कशीट का हेडिंग होगा वो हम उसको दूर से दिखा सकते हैं, अच्छा दिखेगा, लाइट अच्छे टाइप से टाइप कर सकते हो। बाकी बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने ये डाटा टाइप कर रखा है, अब इस डेटा में से किसी एक स्टूडेंट को फाइंड करना है, तो आपने यहाँ सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ क्लिक करोगे तो, और इसके बाद आपने यहाँ पे आना है फिल्टर पे, फिल्टर पे आके यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देना है। अब सपोज जैसे मान लो मुझे गोविंद सिंह का रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, अब जिसका भी देखना है, जैसे मान लो गोविंद सिंह का देखना है, तो क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे गोविंद का ही रिकॉर्ड दिखा देगा। अब इस सीट में जितनी जगह गोविंद होंगे केवल वही आएंगे, सपोज जैसे मान लो यहाँ पे एक ही जगह गोविंद है, हम यहाँ पे दो जगह गोविंद को कर देते हैं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दिया, तो गोविंद गोविंद हो गया दो जगह। अब यहाँ पे आएंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल कर देंगे, और यहाँ पे गोविंद सिंह को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे केवल गोविंद सिंह होगा ना वही दिखाई देगा आपको, और बाकी जितने भी नाम होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा की अगर छटाई करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी अगर क्या होता है, हमारे पास बहुत लंबा डेटा होता है, सपोज जैसे मान लो हमें नीचे तक टाइप करना है, अब हम इसी डेटा को अगर नीचे तक खींचते हैं, यहाँ पे हमने पकड़ा, इसको नीचे पकड़ के खींच लेते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मेन हेडिंग होगी ये हाइड हो जाएगी। देखो हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारी हेडिंग जो होगी वो हाइड हो जाएगी, देखो हो गई। तो हमें क्या करना है, इस वाले रो को यहीं पे फ्रीज कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद यहाँ पे आएंगे फ्रीज पैन वाले ऑप्शंस में, और यहाँ पे इस वाली रो को हमने फ्रीज कर दिया। अब ये रो हमारे यहाँ पे फ्रीज हो गई। अब हम अगर डेटा नीचे टाइप भी करेंगे तो हमारे यहाँ पे डेटा एंट्री जो भी हम करते रहेंगे वो हमारे नीचे जाता रहेगा, लेकिन ये वाली रो हमारे नीचे नहीं हटेगी क्योंकि इसको हमने फ्रीज कर दिया। जब भी आप कभी भी डेटा टाइप करते हो, वहां पे बहुत लंबा डेटा होता है, तो आपको इस वाले ऑप्शंस को अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा काम करने में सहूलियत हो जाती है, क्योंकि कभी भी डेटा जो होता है वो ऊपर चला जाता है अपने आप, लेकिन अगर आप यहाँ से फ्रीज कर दोगे तो डेटा अपने आप ऊपर नहीं आएगा, इसके नीचे आप टाइपिंग करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल हेडिंग आपको सारी दिख रही है, तो आपको टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टाइप से आप कर सकते हो। अगर इसको हटाना होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे फ्रीज पे आके क्लिक कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। इस टाइप से आप हटा सकते हो।
बाकी आप यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे होम टैब पे, अगर आपको नॉर्मली किसी भी सीट पे, जैसे यहाँ पे सीट है, अगर कोई भी सीट पे हमने कोई काम कर रखा है, जैसे काम कर रखा है इसको हमें अगर कंडीशन लगाने होगी, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी होगी, इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्री स्पैन भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी रो या कॉलम को डिलीट करना है, अगर लेना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाओगे उसी वाली सीट में। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉलम हाइट और ब्रेथ वाला, अगर किसी भी कार्ड से आपको कॉलम की हाइट और ब्रेथ बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी खींच के बढ़ा सकते हो, अगर मैनुअली टाइप करके बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, आपकी कॉलम और ब्रेथ यहाँ से बढ़ जाएगी घट जाएगी। बाकी अब आप डेटा एंट्री टाइप कर रहे हो, आपके पास मैनुअल स्टूडेंट जो है वो इतने ही है, इसके बाद कोई स्टूडेंट आपके पास नहीं आया, तो आप इनकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सपोज जैसे मान लो इसके इतने स्टूडेंट है हमारे पास, हम इनकी लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे इनको नाम दे देंगे, नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, हमने डाल दिया लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट डाल के एक नाम दे दिया, एंटर किया। अब जो हमारा ये डेटा है यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, क्लिक करेंगे तो लिस्ट करेंगे तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज ये वाले हमें नाम कहीं और भी अप्लाई करने हैं, इस वाली सीट पे चाहिए ये वाले नाम, तो यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, नेम एडिंग डाल दी, और यहाँ पे हमें वो वाले नाम सारे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे जितने एरिया हम चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डेटा वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप देखोगे डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अलाउ वाले ऑप्शन में आना है, इसके बाद वैल्यू पे, एनी वैल्यू पे क्लिक करोगे, लिस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे सोर्स है। अब सोर्स में क्या करना है, जो आपने वहाँ पे लिस्ट वाली हेडिंग बनाई थी उसको यहाँ पे टाइप कर देना, बस उससे पहले आपने क्या करना है, इक्वल जरूर लगा लेना, अगर आप भूल जाते हो आपने वहाँ पे क्या नाम डाला था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे नाम दिख जाएंगे, तो जो भी नाम आपको डालना है यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो आपका नाम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम आ गया, देखो नाम आते ही यहाँ पे एक बटन आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे बटन आ गया, बटन पे क्लिक करोगे आपको सारे नाम मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी नाम इंसर्ट कर सकते हो इस टाइप से। बाकी कॉलम को इंसर्ट करना है, एडजस्ट करना, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो तब भी एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो मैंने आपको बताया था अल्ट ओ सी ए करोगे तब भी आपका कॉलम यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिस्ट लगा सकते हो किसी भी डेटा में, जब भी आप कोई डेटा एंट्री करते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा सहूलियत देता है डेटा एंट्री करने की, तो हमें आराम रहेगी डेटा एंट्री करने में, तो हम आराम से डेटा एंट्री कर सकते हैं। आगे जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, सीट दूसरी इंसर्ट की थी, यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम छोटा सा डेटा लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे सेकंड सीट में आके इसको पेस्ट कर दिया, इस टाइप से होती है। तो हमें क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल करना है, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना है। तो डेटा को हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जब आप कभी भी काम करते हो एक्सेल पे तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है डेटा एंट्री के लिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमारे नाम है वो यहाँ है, जो हमारी हेडिंग्स है वो यहाँ है, तो हमें हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पेशल वाले ऑप्शंस पे आएंगे, स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आके क्लिक करोगे ओके कर दोगे तो क्या होगा, जो आपके नेम होंगे वो चेंज हो जाएंगे और जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो अलग आ जाएंगी, मतलब इस टाइप से डेटा हो गया। इसको हम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं आराम से, तो इस टाइप का ऑप्शन भी आपको यूज कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेटा एंट्री करते हो। कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत ज्यादा डेटा टाइप कर लिया और दिक्कत हो जाती है आपको एडजस्ट करने में, ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, गोविंद सिंह जो था नाम बड़ा था, तो इसका जो कॉलम था उसके पीछे यहाँ पे नाम एडजस्ट हो गया, मतलब हाइड हो गया। विपन का नाम छोटा था तो यहाँ पे कॉलम बड़ा पड़ गया इसके लिए, रोहित का भी नाम छोटा है तो उसके लिए कॉलम बड़ा पड़ गया। अब तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अल्ट ओ सी ए टाइप कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा ऑटो सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अल्ट ओ सी ए वाला, ये आप जरूर ट्राई करना जब भी आप डेटा एंट्री करते हो, तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक डेटा एंट्री करते हो तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके आप डेटा एंट्री में थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, बस आपको क्या करना होगा, टाइपिंग थोड़ी, जो आप टाइपिंग करते हो उसकी थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आपको डेटा एंट्री करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा एंट्री थोड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी। अगर आपकी टाइपिंग स्लो रहेगी तो डेटा एंट्री करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइपिंग बढ़ानी है, बड़ा है मैनुअली जो बेसिक ऑप्शन होते हैं डेटा एंट्री के वो मैंने आपको बता दिए। बाकी और इसी टाइप की अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। और भी कुछ ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा, हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके हमने देखा तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है करेंसी में चेंज कर दिया, तो जब भी कभी डेटा एंटर करोगे आप इस वाली सेल्स में तो आपका यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी में ही आएगा, आप एंटर करोगे तो ये अपने आप करेंसी में चेंज हो जाएगा,
क्योंकि आपका यहाँ पे सेट हो रखा है, तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप डेटा एंट्री करोगे तो यहाँ पे करेंसी वगैरह चेक कर लोगे, क्योंकि मैंने देखा ना अधिकतर लोग जो नॉर्मल स्टार्टिंग करते हैं डेटा एंट्री की, उनमें उनको ये दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है बेसिक करेंसी चेंज हो जाती है, करेंसी सिंबल, तो आप जो यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि करेंसी सिंबल कहाँ से चेंज करें, कैसे चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पे डेटा हमारे पास है बहुत सारा, ये डेटा हमारे पास है, इसको हमने डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे हमने डेट वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा होता है नॉर्मल जनरल रखना है, हमें इसे डेट फॉर्मेट में नहीं रखना है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऑप्शन परसेंटेज वाला होता है, अगर हमने परसेंटेज इंसर्ट कर लिया तो यहाँ परसेंटेज ही आएगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जनरल करके रखेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आ गया एक मार्जिन सेंटर वाला ऑप्शन, जब भी आप कोई काम करते हो ये वाले दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो तो यहाँ पे मार्जिन सेंटर वाला ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है, सपोज जैसे मान लो आपने क्या करना है, आप रोल नंबर और नेम को नीचे रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर को नीचे कर देंगे, मतलब नेम यहाँ पे जो नंबर है उसको नीचे कर देंगे, तो इसके लिए हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर नीचे हो जाएगा और रोल हमारा ऊपर आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें सीट को मर्ज करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट कॉलम कर लिया, और यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, दोनों कॉलम को छोटा कर लेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दो कॉलम को मर्ज करना होगा, तो यहाँ से एक साथ मर्ज कर सकते हो इस टाइप से। इसको मर्ज करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके सब्जेक्ट को डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का अगर चाहें तो सब्जेक्ट डाल सकते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए और ये हमारा मेन फॉर्मूले हो गए, इनको भी मर्ज करके हम यहाँ से एक साथ सेट कर सकते हैं इस टाइप से। तो आप इस टाइप से भी एक्सेल में सीट को मर्ज करना होगा तो आप मर्ज करके कोई भी डेटा तैयार कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक्सेल पे काम करते हो तो आपको बहुत सारे डेटा तैयार करना पड़ता है। किस टाइप से करना पड़ता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस टाइप से मैंने इसको मर्ज कर दिया, अभी दोनों कॉलम बहुत बड़े हो रहे हैं तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम जाके यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आके यहाँ पे जो हमारी कॉलम की विड्थ हाइट है ना इसको ऑटो फिट कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जितना आपको रखना है, क्योंकि ये ऊपर वाले से कॉपी किया गया है, तो यहाँ पे सब जो हमारा वो है सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लेंगे हेडिंग को, इस टाइप से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से डेटा एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये हमारे कॉलम्स में जो हमने हेडिंग टाइप किए थे ये नीचे वाले उसमें आ रहा है, तो हमें क्या करना है इसको सेंटर में डाल देना है यहाँ पे, और इस पे भी आगे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर डाल देंगे तो यहाँ पे हमारी सीट थोड़ी ठीक लगने लगेगी। इस टाइप सब्जेक्ट को चाहो तो और छोटा कर लो क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में कर देंगे इस टाइप से, इसको हम छोटा कर लेते हैं दोनों कॉलम को, इस टाइप से हम एडजस्ट कर लेंगे, इस टाइप से हम एडजस्ट करके इसको देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे मार्कशीट तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये तो हमारा नॉर्मल मर्जन सेंटर वाला ऑप्शन हो गया और रैप टेक्स्ट, मैंने दो ऑप्शन आपको बता दिए, बाकी डेटा एंट्री कर सकते हो अच्छे लेवल पे डेटा एंट्री कर सकते हो। एक ऑप्शन मैं आपको और बताऊंगा जो अधिकतर लोगों को जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे इसे गोविंद सिंह डाल रखा है, अब गोविंद सिंह को हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे विपिन सिंह है, यहाँ पे गोविंद सिंह आ गया, और कहीं भी गोविंद सिंह और कहीं भी किसी में हमने सरनेम नहीं लगा रखा है, केवल यहाँ पे गोविंद सिंह वाले नेम के आगे सरनेम लगा रखा है। तो हमें ऐसे ही हमारे मतलब पूरे डेटा में 5-6 नामों के आगे सरनेम लगा होता है, तो हमें क्या करना होता है, केवल सरनेम को हटाना होता है। तो हम कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, न्यू कॉलम ले लिया हमने, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक न्यू कॉलम ले लेंगे, इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पे आओगे, सिलेक्ट करके रखोगे इसे, और यहाँ पे जो भी नाम रहेंगे उसको सिलेक्ट कर लेना, जितना भी डाटा रहेगा उसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे पूरे को। ठीक है, इस टाइप से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है डेटा वाले ऑप्शन में आओगे और यहाँ पे आओगे टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे कॉमा आ रहा है तो कॉमा पे सिलेक्ट कर सकते हो, सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन पे ले सकते हो, स्पेस है तो स्पेस को लेंगे हम, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, अदर पे यहाँ पे आके टाइप कर दोगे स्पेस तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे स्पेस वाला ऑप्शन मिल रहा है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। ओके, तो आपका जो सिंग होगा वो अगले वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से इस टाइप से आप डिलीट कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, जो कॉलम में नाम था ना सिंग वाला वो यहाँ से हट जाएगा। तरीके और भी बहुत सारे हैं हटाने के, लेकिन मैंने आपको सिंपल और इजी तरीका बताया, इसको आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आप बहुत सारे काम को इजी बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया गोविंद सिंह ठाकुर, और हमने यहाँ पे गोविंद सिंह ठाकुर डाल दिया। अब यहाँ पे कॉलम में है, अब देखो यहाँ पे एक कॉलम में है, हमें क्या करना है इसको अलग अलग करना है, तब भी हम इसी का यूज करेंगे। डेटा में आएंगे, डेटा टेक्स्ट टू कंटेंट्स वाले ऑप्शंस पे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये तीनों नाम अलग अलग हो जाएंगे, मतलब गोविंद सिंह
और जो सरनेम है हमारा और जो भी हमारी कॉस्ट नेम है वो सब अलग हो जाएगा। तो आप स्टेप से कर सकते हो, ये भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसी टाइप की और वीडियो देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वो फॉलो करोगे तो आप डेटा एंट्री कर सकते हो। डेटा एंट्री करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक करके भी डेटा एंट्री की जा सकती है। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में, अगर आपको सारा एक्सेल ऐसे सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके एक्सेल की पूरी सीरीज अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बहुत फॉर्मूले होते हैं और बहुत बेसिक ऑप्शंस होते हैं जो हमें डेटा एंट्री करते टाइम जरूरत पड़ती है। बाकी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सारे ऑप्शंस को वन बाई वन कवर करेंगे। एक वीडियो में सारे ऑप्शंस कवर नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना के सारे अपलोड करेंगे। जितना भी एक्सेल हमारा है, हम हर एक ऑप्शंस की हर एक टाइप की वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको पूरा एक्सेल एडवांस लेवल तक का सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम एक्सेल नहीं बाकी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सेल पूरा एडवांस लेवल तक का सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।